इमरजेंसी में। निर्मेश जी, क्या मामला था, किस तरह की घटना हुई थी? तो आज आपके पति ने कहाँ जहर खाया था? एसएसपी ऑफिस में अंदर ही जहर खा लिया था। पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने ये किया कि हमको तो बताया नहीं, हमने मैंने ही फोन किया था, तो मुझे तो जब मालूम था, और जब मैं वहाँ पहुँची, क्या कहते हैं, एसएसपी ऑफिस पहुँची, तो मेरे पति बाटा मलखान सिंह थे, और शायद मलखान सिंह ना जाके मेडिकल में आ जाते तो आज मेरे पति जिंदा होते। किस बात पे विवाद चल रहा था मकान मालिक? वो मकान मालिक नाजा सताता था। अच्छा, पुलिस से शिकायत करने आए थे इसीलिए? हाँ, पुलिस से शिकायत करने आए थे। पुलिस ने मदद नहीं की? पुलिस ने मदद कहाँ की, जब तक तो उन्होंने जहर खा लिया, तो फिर मलखान सिंह भेजे, मलखान सिंह से फिर यहाँ रेफर किए। घटना ये हुई थी कि हमारे पिताजी, मतलब हमारे पास किसी के 20,000 रुपये थे, तो उसने घर आके फिर मम्मी से बदतमीजी की थी, सोनूराज वाल में की है वो। बदतमीजी करने के बाद पापा जा तो सीधे कहीं चले गए। वो ये कह गया था कि मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, और बदतमीजी गाली गलौज कर गया था मम्मी से, तो उन्होंने मतलब अभी बेइज्जती से वजह से उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। अच्छा, कहाँ खाया था ये जहरीला? एसएसपी ऑफिस पे। अच्छा, एसएसपी साहब से शिकायत करने गए? हाँ, शिकायत करने गए थे। हमारे पास फ़ोन पहुँचा था वहाँ से कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ जाकर पता पड़ा हमको कि मैं जहर खा लिया है। मरगन सिंह ले गए, मरगन सिंह के बाद यहाँ ले आए थे। पुलिस ने आपकी मदद नहीं की थी इसलिए जहर खा लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मदद वगैरह की रखी थी। आप लोगों को कैसे पता चला था उन्होंने जहर खा लिया? उन्हें हमें पहुँचे तो बताया था, कॉल किया था किसी ने? हाँ, पापा के नंबर से कॉल गई थी हमको। तो एसएसपी ऑफिस में उन्होंने जहर क्यों खाया था ये नहीं पता मुझे, क्यों खाया था ना भी किसी ने बताया, अभी ना ही उन्होंने बताया। उमा शंकर नाम के एक व्यक्ति का उसके पूर्व मकान मालिक से पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा था। आज जो पूर्व मकान मालिक है वो इसके घर पे जा करके और काफ़ी बदतमीजी की, उसी से कुपित होकर के इसने पहले कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, और जहरीला पदार्थ खा करके एसएसपी ऑफिस के प्रांगण में पहुंच गया। वहाँ पर जब उल्टी होती हुई देखी गई तो तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसके परिजनों के एफआईआर के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है, विवेचना की जा रही है, जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभियुक्त को हिरासत में।